वेलकम टू द पाठशाला। हम कर रहे हैं डबल ए ओ का पूरा कोर्स। आज इस सीरीज में लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है जो इस लेक्चर पे सीधे सीधे आया लेक्चर नंबर 3 पे, तो एक काम करे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले और लेक्चर नंबर 1 पहले कवर करे, फिर लेक्चर नंबर 2 कवर करे। अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो अभी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैग के क्या रोल है, क्या फंक्शन है और क्या ड्यूटीज़ वगैरह है। तो आज इस लेक्चर में इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आज के जो लेक्चर में हमको समझना है, जो पढ़ना है वो समझ लीजिए क्या पढ़ना है। देखिए, हमको क्या है कैग, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने जान लिया कि कैग होते क्या है, कैग का एक रफ ओवरव्यू ले लिया कि कैग क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह वर्क करते हैं, टॉप पे होते हैं, एक सिंगल बंदे हैं। तो इनको लेके एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है, कैग कैसे लाके बैठाए जाते हैं एज ए हेड पे, मतलब अपने मन से आ जाते हैं या फिर इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है या प्रमोशन के थ्रू होते हैं या फिर इनको किसी और तरीके से चुना जाता है। तो एक ये क्वेश्चन दिमाग में बनता है। फिर बात आती है कि इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, इनकी सैलरी वगैरह है वो कैसे दी जाती है। हमने हायरार्की पढ़ ली थी कि इनका जो हायरार्की, अगर प्रेसिडेंस वाइज बात की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते एक तरीके से। फिर बात ये आती है कि अगर इनको अपॉइंट कर दिया गया है तो क्या इनको रिमूव किया जा सकता है, अगर रिमूव किया जा सकता है तो कैसे रिमूव किया जा सकता है। फिर बात किया जाए कि टाइम पीरियड क्या है, कितने समय तक के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं और किस एज तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अगर वो टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ है तो उसके पहले इनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात आती है कि इनकी ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ का ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ और लेकिन जब बात आएगी डबल ए के पेपर की तो डबल ए के पेपर में आपको थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाएगा, तो ड्यूटीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में देंगे। तो आज ये 6 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपॉइंटमेंट की, कि जो कैग हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। तो बात यह आती है कि आप प्रेसिडेंट सीधे सीधे किसी को भी कैग अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं, प्रेसिडेंट किसी को सीधे सीधे कैग अपॉइंट नहीं करते हैं। जो कैग अपॉइंटमेंट होता है, जो उस बंदे को कैग चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर के, जो हमारे पीएम होते हैं, इनके रिकमेंडेशन पे, जब तक पीएम का रिकमेंडेशन नहीं आ जाता तब तक जो है प्रेसिडेंट हमारे किसी को कैग अपॉइंट नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि मेन रोल किसका रहता है, मेन रोल पीएम का रहता है। पीएम ये कहते हैं कि भाई ये बंदा है हमारा, इनको आप कैग जो है हमारे हिसाब से चुनिए। प्रेसिडेंट का काम क्या है, इनको क्या किया, अपॉइंट कर दिया। तो इनको एक तरीके से साइन करना रहता है भैया, कि ये जो बंदे हैं, मुहर लगाने का काम यूँ समझ सकते हैं कि जो रिकमेंड करते हैं वो हमारे जो है पीएम होते हैं और जो मुहर लगाने का काम करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि सैलरी से पहले एक बात और होती है कि ओथ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो अपनी शपथ किसके सामने लेते हैं। तो शपथ वो हमेशा जो है प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, क्योंकि ये खुद भी इतने बड़े औहदे, इतने बड़े पद पे है, तो जितने बड़े पद पे होते हैं वो सारे के सारे लोग प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं। बात की जाए सैलरी की, तो 7वें जो है वेतन लगने के बाद, 7th पे के बाद जो है, जो इनका सैलरी क्या होगा वो आपको एग्जैक्टली गूगल करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इनकी सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी इनको मिलती है और सुविधाएं भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती है, क्योंकि हायरार्की का जो लेवल है, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। और बात की जाए, ये तो रही सैलरी और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है साथ में। इनको जो सुविधाएं दी जाती है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे सपोज कीजिए कि इनको एक बार अपॉइंट कर दिया गया, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो जो इनको छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियां कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, जो इनका पेंशन है, पेंशन इनका कोई कैंसिल नहीं कर सकता, इनका जो रिटायरमेंट का एज है वो रिटायरमेंट का एज कोई ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकता। अगर इनको जो है रिटायरमेंट के पहले अगर इनको कैंसिल करना हो तो एक प्रोसीजर होता है फिक्स, कि वो क्या जो है प्रोसीजर होना चाहिए। उस प्रोसीजर की हम बात करेंगे कि ये कब इनको किस तरीके से जो है रिमूव किया जाता है। देखो, इनको रिमूव तब किया जाएगा जब ये माना जाएगा कि ये मिसबिहेवियर कर रहे हैं, मतलब कुछ गलत तरीके से अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इम्पीचमेंट होता है, क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है एक तरीके से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट रिमूव किए जाते हैं उसी तरह जो है कैग को भी इम्पीचमेंट के थ्रू थोड़ा सा रिमूव किया जाता है। और बात ये आई कि कितने टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, तो 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और जो एज होती है इनकी अपर एज वो 65
ईयर्स रहती है। तो टाइम पीरियड 6 ईयर, एज जो है 65 तक। और बात किया जाए आप रिमूवल की, कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, इनको और रिमूव कैसे किया जाता है। जैसे ये मान लिया जाए कि इन्होंने मिसबिहेवियर कर दिया, ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर ये कैपेबल नहीं है, क्या कैपेसिटी नहीं है इनकी इस पद को होल्ड करने की, तो उस केस में जो है इनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है कि आपको जो है आपके दोनों हाउसेज, जो लोकसभा है जो राज्यसभा है, उन दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी से जो है पास कराना होता है एक रेजोल्यूशन कि हाँ भाई ये बंदा जो है इस पद के लायक नहीं है, इनको हटा दिया जाए। तो ऐसे में 2/3 मेजॉरिटी के आसपास चाहिए होता है। तो आपका क्या है कि इम्पीचमेंट होता है वहाँ पे, इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटाया जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है कि इसके लिए लोकसभा की भी सहमति चाहिए, राज्यसभा की सहमति होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, जो मेजॉरिटी में लोग ये बोल रहे हो कि नहीं भैया इनको हटा देना चाहिए, तब इनको हटाया जाता है। तो ये कुछ मेजर सी बात है। और बात किया जाए कि ये जो ड्यूटीज़ वगैरह है, इनका अपॉइंटमेंट है, इनकी सैलरी है, ये किस एक्ट के थ्रू इनको प्रदान किया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो ये जो व्यवस्था की जाती है वो पार्लियामेंट व्यवस्था करती है, वो जो व्यवस्था की गई है वो जो नाम है उसका ये बोला जाता है कि C&AG एक्ट 1971, क्या 1971, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात ये आती है साथ में, यहीं पे ड्यूटीज़ पढ़ने से पहले समझ लीजिएगा कि C&AG जो आपके कैग होते हैं, इनके अंडर में, ये एक सिंगल बंदे हैं, इनके अंडर में पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट रहता है जिसको बोलते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। क्या है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया है? ताकि वो कैग को हेल्प कर सके इनकी ड्यूटीज़ को निभाने में। अकेले सिंगल बंदे तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये सीधा सीधा जो है सारा का सारा ऑडिट कर देंगे। तो इनको पूरा का पूरा एक टीम दिया गया है, ये टीम के हेड होते हैं। तो ये आप एक नॉर्मल, एक सरल भाषा में चीज़ों को समझ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको अपॉइंटमेंट क्लियर हो गया होगा, सैलरी वगैरह क्लियर हो गई होगी, रिमूवल क्लियर हो गया होगा। रिमूवल में सिर्फ याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू होते हैं या नहीं होते। तो इम्पीचमेंट के थ्रू होते हैं, इनके लिए जो है रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है आपके दोनों हाउसेज में, एक हाउस में नहीं दोनों हाउसेज में। टाइम पीरियड 6 ईयर्स, एज जो है 65 साल होती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस चीज़ को लेके स्टेटमेंट्स वगैरह लिख दिया है, मैं इसकी PDF दे दूंगा, आप वो कर लीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा गया था कि जैसे जो ऑडिट कैक करते हैं, तो कोल स्कैम हमारा जो था, जो 2G स्पेक्ट्रम वाला केस था, तो ऐसा ये बोला गया था कि जो ये कैग की रिपोर्ट है इसको डिसमिस किया जाए, इस तरीके का पिटीशन डाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही थी, वो यहाँ पे कोट करने के लिए मैंने ले रखा है। कैग इज नॉट ए मुनीम जी और एन अकाउंटेंट। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कैग है वो कोई मुनीम जी नहीं है, कोई अकाउंटेंट नहीं है, और समथिंग लाइक दैट, या इस तरीके से कुछ और नहीं है। ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हु कैन एग्जामिन द रेवेन्यू एलोकेशन एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द इकोनॉमी। ये मतलब ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो जांच कर सकते हैं सारा का सारा रेवेन्यू एलोकेशंस का और उन सारा मैटर्स का जो हमारी इकोनॉमी से रिलेट करता है। कैग इज द प्रिंसिपल ऑडिटर हुज फंक्शन इज टू गो इनटू द इकोनॉमी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कैग हैं वो ऐसे हैं, ये प्रिंसिपल ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर हैं जिनका काम क्या है, जिनका फंक्शन क्या है, जिनको इकोनॉमी के अंदर जाना है और ये चेक करना है कि इकोनॉमी कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, और जो हमारी गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है क्या हमारी इकोनॉमी को उतना इफेक्टिव, उतना एफिशिएंट बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। ये एक तरीके से इनका बहुत बड़ा रोल होता है पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी को सही रखने में। गवर्नमेंट उन पैसों का जायज इस्तेमाल कर रही है हमारी इकोनॉमी को सही करने में। तभी तो आपने देखा होगा कि 2G स्कैम आया, कोल ब्लॉक स्कैम आया। तो इस तरीके से कई सारे जो घोटाले आते हैं ये कैग की रिपोर्ट के हिसाब से आते हैं। इफ द कैग विल नॉट डू देन हु इल्स विल डू। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कैग नहीं ऐसा करेंगे तो कौन करेगा, और उन्होंने उस पिटीशन को यही बात कहते हुए जो है खारिज कर दिया था कि नहीं, कैग को हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि कैग का मेन रोल क्या है।
कैग का मेन रोल ये है एक तरीके से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो पैसे लग रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस मेजर करना, उसकी इफिशेंसी मेजर करना और चीज़ों को एकदम उस तरीके से होने देना जिस तरीके से एक्चुअली गवर्नमेंट को रन करना चाहिए। तो ये चीज़ रही। अब बात करते हैं कि ड्यूटीज़ की, कि ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटीज़ थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कुछ लिया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो कैग है उसकी ड्यूटीज़ पावर और कंडीशन जो सर्विस की है वो कैग एक्ट 1971 के हिसाब से व्यवस्था की गई है। ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का प्रोविज़न किया गया है। जो एक्ट है वो कैग एक्ट 1971 है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आप WO का पेपर देने वाले हैं तो डेप्थ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमने रफली समझ तो लिया कि जो ड्यूटीज़ है वो ड्यूटीज़ इनकी है क्या, इनका काम है ऑडिट करना। ऑडिट क्या करती है ये, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पैसे खर्च करती है वहाँ वहाँ सब जगह पे जो है ये ऑडिट करती है। ये हमने रफली अपनी जानकारी के लिए समझने के लिए समझ लिया, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ तो काम आएगा नहीं। काम क्या आएगा आपको, वो सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स याद करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। तो हम यहाँ पे वो सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या सेक्टर्स है, वो क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिया है, तो बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट का, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए नया टर्म हो, कंसोलिडेटेड फंड। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट मतलब जो रिसिप्ट किया, एक्सपेंडिचर जो खर्च किया, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से। ये देखो, जो एक होती है एक तरीके का फंड है, इसमें होता क्या है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपना जो मेजर खर्चा है ना वो इसी फंड से करती है। तो एक तरीके से फंड है, क्या है, एक तरीके से ये एक निधि की व्यवस्था की गई है, एक तरीके से यू गुल्लक कह लीजिए, लेकिन ये बड़ा वाला गुल्लक है जिसमें सारा पैसा रिसीव करके रखा जाता है और सारा मेजर खर्चा इसी से किया जाता है, कुछ आइटम्स को छोड़ दिया जाए तो। उसका ये मेजर बैंक है एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये जो फंड की व्यवस्था की गई है ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से, ये भी कभी कभी पूछ दिया जा सकता है। तो 266 के वन आर्टिकल 266 का पार्ट वन, इस हिसाब से इसकी व्यवस्था की गई है। तो इसका ऑडिट करती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहीं खर्च कर रही है, और कहाँ से खर्च करती है मेजर अपना, इस फंड से खर्च करती है, और यहीं पे जो है पब्लिक का पूरा पैसा आके रखा जाता है। तो सारा इसका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज का हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, सभी के कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट करती है कि जो उसका रिसिप्ट है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, आपको ये टेक्निकल टर्म याद रखना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फंड, ये चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज का हो, और चाहे स्टेट का हो, किसी का हो, सभी का करती है। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, बात करेंगे ट्रेडिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। तो ये जो भी अकाउंट्स है ट्रेडिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस के, और जितनी भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की, या फिर कोई सब्सिडरी अकाउंट्स है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, या फिर अकाउंट ऑफ स्टोर हो गया, स्टॉक है जो गवर्नमेंट ऑफिसेस या डिपार्टमेंट में केप्ट है, वो सारा का सारा क्या करती है, ऑडिट करती है। एक चीज समझते चलिए, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स है ये समझने के लिए कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत आती है, गवर्नमेंट का इन पे हक है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है उन सभी का ऑडिट करती है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बनी हुई है। इसको बाद में अमेंड किया गया है, तो अमेंड करने के बाद जो कुछ भी व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से भी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उन सभी का ऑडिट करती है। अब इसके बाद क्या है, जो कॉरपोरेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना के अगर कोई कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है तो उनका भी ये ऑडिट करती है। तो ये टेक्निकल टर्म्स याद रखिएगा, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश बाय और अंडर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रेस्पेक्टेटिव लेजिस्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटीज एंड बॉडीज सबस्टेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितनी भी अथॉरिटी है, जितनी भी बॉडीज है, अगर कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के पैसा दिया गया है, चाहे वो पूरी तरीके से फाइनेंस हो, चाहे पार्शियली फाइनेंस हो, उन सभी का ऑडिट करती है। यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर
मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड से अगर फाइनेंस नहीं है तब भी कैग को ये अधिकार रहता है कि चाहे वो एनीबडी हो चाहे कोई अथॉरिटी हो तो उनका भी ऑर्डर कर सकती है अगर कंसोलिडेटेड फंड से अगर फाइनेंस नहीं है तब भी। फाइनेंस है तो करेगी करेगी, और अगर नहीं है तब भी कर सकती है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। और बात किया जाए कि अगर गवर्नमेंट हमारी किसी को ग्रांट्स देती है या फिर किसी को लोन देती है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई पर्पज हो, तो अगर वो ग्रांट दे रही है, कोई लोन दे रही है, तो क्या करेगी जो है, कैग ऑडिट करेगी। अब देखो भैया, हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया टैक्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट का अपना मन आएगा तो वो किसी को ग्रांट दे देगी, किसी को लोन दे देगी। तो कैग का काम है ये चेक करना कि जिसको ग्रांट दिया गया है, जिसको लोन दिया गया है, वो सही तरीके से लोन दिया जा रहा है, सही तरीके से ग्रांट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, हमसे टैक्स कलेक्ट करके हमारे लिए जो है एक तरीके से इकोनॉमी को बनाना अच्छे से। तो कैग का रोल क्या है, इकोनॉमी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, गवर्नमेंट पे नजर रखने का कि गवर्नमेंट का खर्चा सही है या नहीं सही है। इसके अलावा इंटरेस्टेड ऑडिट्स दो जा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। देखिए यहां पे टेक्निकल टर्म्स ये याद रखिए कि जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, अगर वो टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट के अंतर्गत आती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TGS बोलते हैं, तो उनका भी ऑडिट करती है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स याद रखने हैं। आपने वैसे तो समझ लिया कि जो गवर्नमेंट कहीं पे पैसा खर्च कर रही है पब्लिक का, तो ऑडिट करना करना है, लेकिन साथ में ये आपको क्या करना है, सारे टेक्निकल वर्ड्स याद रखना है। तो अगर आप जो है मेंस का पेपर नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या है, अगर WAO के लिए फाइट नहीं करना है तो कितना पढ़ना है आपको, सिर्फ ये 5 पॉइंट पढ़ना है, अपॉइंटमेंट, सैलरी, रिमूवल, टाइम पीरियड और एज। ये आपके Tier 1 के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आ सकता है। ड्यूटीज का जो डेप्थ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ WAO के पेपर में ही आएगा, क्योंकि WAO मतलब ये जानना चाहता है, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप कैग के तहत ही जाते हो, तो अगर कैग के तहत जा रहे हो तो पता होना चाहिए कि कैग कैसे वर्क करती है, कैग का क्या रोल है। ये जो डिपार्टमेंट है, अकाउंट वाला डिपार्टमेंट, ये पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। तो आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे ये बताइए कि जो मैं आपको WAO का कोर्स करा रहा हूँ, ये आपको ऐसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चीज़ों को सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, या कोई अगर सुझाव हो इसको और बेहतर बनाया जा सकता हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और रही बात इसके PDF की, तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और स्क्रीन पे जो कुछ दिखाई दे रहा है एज इट इज, मैं इसको PDF में प्रिंट करके आपको जल्द ही पहुँचा दूंगा ताकि आप रिवीजन में इसको ले सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।